और अब बात राष्ट्रगान के अपमान की, जिसे लेकर भारत की पूर्व वर्ल्ड नंबर वन शूटर हीना सिद्धू ने अपना गुस्सा ट्विटर पर जाहिर किया। सिद्धू ने लिखा है कि राष्ट्रगान के वक्त खड़ा नहीं होने का मतलब है कि आप पॉपकॉर्न खा सकते हैं, आपस में चिटचैट कर सकते हैं और फोन पर तेज आवाज में बात कर सकते हैं। अक्सर मैं खुद को स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में खुशकिस्मत मानती हूं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। बिना राष्ट्रगान के मेडल जीतना आधा भी अच्छा नहीं लगता। हीना सिद्धू की यह नाराजगी जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई इस तस्वीर को अखबारों में देखने के बाद सामने आई थी। इस तस्वीर में कॉलेज के दो छात्र राष्ट्रगान के दौरान सेल्फी लेने में व्यस्त थे, जबकि इस कार्यक्रम में दूसरे सारे लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े थे। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और यूनिवर्सिटी के कुलपति भी मौजूद थे। हीना ने सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद थिएटर्स में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना अनिवार्य नहीं रह गया है। सुबह मैं जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तब मैंने टीवी में देखा कि कुछ लड़के सेल्फी इन वीडियो निकाल रहे हैं व्हाइल द नेशनल एंथम इज प्लेइंग और बाकी लोग खड़े होके यू नो दे शोइंग रिस्पेक्ट। दे सुप्रीम कोर्ट सेड कि भी मूवीज से पहले नेशनल एंथम चलेगी एंड देन दे से नो नो ये दिस इज ऑप्शनल टू स्टैंड। लोग जाते मूवीज में एंटरटेन होने के लिए, आई कम्प्लीटली अग्री। सो पहले तो नेशनल एंथम का लॉ बनाना ही नहीं चाहिए था, अभी जब बनाया है हाउ कैन यू मेक इट ऑप्शनल। देन पीपल लाइक दीज, उनको भी मौका मिल गया है टू शो।